चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं लेसन 12, किसी भी परिमाण के कोणों के त्रिकोणमिति अनुमान, अनुपात नहीं बल्कि अनुमान हो। इसमें शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लें, संख्या रेखा। संख्या रेखा किसे कहते हैं? आप लोग को आइडिया होगी संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा देखिए कैसे होता है, यहाँ मिडिल में हम एक जीरो ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से अपना। इधर तो पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव, -1, -2, -3, -4 इस तरह से। देखिए संख्या रेखा के इस तरफ की जो दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती है, और जीरो से इधर की तरफ जो दूरियां होती हैं वो नेगेटिव, यानी कि जीरो से हम इधर की तरफ जब आते हैं तो इसको नेगेटिव बोलते हैं। और संख्या रेखा के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर जितनी भी दूरियां होंगी लंबवत दूरियां, उसको हम धनात्मक कहेंगे। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस तरह से हुआ, ये सब पॉजिटिव होंगे, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होंगे। और वही अगर कि हम नीचे की तरफ खींचें, इस सारी दुनिया जो है सब ऋणात्मक होंगे, यानी कि इस लाइन, ये संख्या रेखा को, संख्या रेखा की ठीक ऊपर वाली जो दुनिया होंगी सब जितनी भी दुनिया होंगी सब धनात्मक, और संख्या रेखा के नीचे की तरफ जितनी दुनिया होंगी सब ऋणात्मक। अब हम एक रेखा खींचने जा रहे हैं जो जीरो से होकर जा रहा है नीचे तक आ रहा है, तो ये नीचे जो है ऋण होगा, ऊपर प्लस होगा। अगर हम यहाँ एरो लगा दें तो इसको हम अक्ष बोलना शुरू कर देते हैं, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इसको वाई अक्ष बोला जाता है, जो एक दूसरे को लंबवत ऊपर कट करते हैं, जीरो पर कट करते हैं। तो जीरो पर एक दूसरे की लंबवत रेखाओं को हम अक्ष कहते हैं, और ऐसी जो पड़ी हुई रेखा है उसको एक्स अक्ष, और जो खड़ी हुई जो लंबवत रेखा है उसको वाई अक्ष कहा जाता है। और देखिए हम बताए थे कि संख्या रेखा के नीचे की दुनिया ऋणात्मक, ऊपर की दुनिया धनात्मक, इसलिए जो वाई अक्ष का नीचे वाला भाग है वो ऋणात्मक होगा, वाई अक्ष का ऊपर वाला भाग, एक्स अक्ष के ऊपर वाला भाग जो होगा वो धनात्मक होगा। और इस जीरो से इधर की तरफ, अब संख्या रेखा की तरफ, संख्या रेखा के जैसे करते हैं, जीरो से इधर ऋणात्मक, जीरो से उधर धनात्मक, और ये जो संख्या रेखा है इसको हमने एक्स अक्ष मान लिया है, इसको हमने क्या कर लिया है, एक्स अक्ष मान लिया है, यानी कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जीरो से इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये दाहिना भाग है, दाहिने, और ये क्या है, बाएं, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे। जीरो से दाहिने की तरफ जाएंगे एक्स अक्ष पे तो सारे हमारे मान जो है धनात्मक होंगे, और जीरो से बाएं तरफ, जीरो से जितना दूर जाएंगे हमारे सारे मान सब ऋणात्मक मिलेंगे, और जीरो से ऊपर वाई एक्स के लिए ऊपर जाएंगे तो धनात्मक और नीचे आएंगे तो ऋणात्मक मिलेंगे हमको। वहाँ ये क्लियर है इतना, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसको उस पर बनाना चाहिए था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे, मान उसका ज्ञात करेंगे जिसे, ये एक वृत्त है,
इस वृत्त को, इसी ये अक्ष है ना, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, अगर इस एक्स को हम इसमें खींचे, वृत्त में खींचे और एकदम ठीक बीच भाग, यहाँ पर हो जाए हमारा जीरो, और इसको हम एक्स एक्स कहेंगे, एक्स एक्स, ये वाई एक्स होगा, ये वाई एक्स का धनात्मक, ये एक्स एक्स का धनात्मक, ये एक्स एक्स का ऋणात्मक, और ये वाई एक्स का ऋणात्मक भाग अगर हो तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों अक्ष मिल करके इस वृत्त को चार बराबर भागों में बांट दिए, चार बराबर भागों में बांट दिए, और ये प्रथम भाग है, इसको कहते हैं, ये देखिए ये चार अंश में बटा है, चार अंश में बटा है, तो ये जो पहला वाला है इसको हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थ का अंश, मतलब चतुर्थ अंश, पूरे का चतुर्थ अंश, और ये जो है पहला चतुर्थांश है, और ये दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ थोड़ा सा बाहर लिखने की जरूरत है, इसको ऐसे देख दो, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ये हम एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमते हैं, इधर जब घूमेंगे तो हमारे मान जो है धनात्मक होंगे। शुरुआत हम यहां से करते हैं, मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये है, और जब इधर घूमते हैं और ए से जब नीचे की तरफ आते हैं, ये मान हमको ऋणात्मक ऋणात्मक मिलते हैं। अब हमको एक चीज ये करना है, जैसे कोण का निर्माण कैसे होता है, कोण का निर्माण कैसे होता है, देखिए एक रेखा है मान लीजिए ओ ए, अब इस रेखा को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, और मान लिया कि ये घूमते घूमते, देखिए इसका प्रारंभिक स्थिति हो गया और अंतिम स्थिति मान लीजिए कि यहाँ पे आ गई, ये ओ ए ही है, ए से मान लीजिए कि ए से चलना शुरू किया, ओए ओए और ओपी मान लीजिए बराबर है, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ गई, इसके बीच में एक कोण बनेगा थीटा, तो थीटा कोण कैसे बनता है, एक रेखा ओए है, ओ ए से उस रेखा को हम जब इस रेखा को ऐसे घुमाना शुरू कर देंगे तो ओए वाली रेखा को जो ओपी यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं दोनों बराबर हैं, इसको कहते हैं परिक्रामी रेखा, परिक्रामी रेखा, परिक्रामी रेखा के चलने से ही कोण का निर्माण होता है। अब ये कोण अगर ये परिक्रामी रेखा परपेंडिकुलर हो जाए तो यहां पर ये 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक, ये अगर P यहां पे आ जाए तो यहां से हम देख रहे हैं यहां से चलते 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 ऐसे आ गया तो ये 90 अंश का कोण बना दिया, तो कोण कैसे बनेगा, परिक्रामी रेखा के गति के कारण, अब उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जो ये कोण बन रहा है, चलिए एक पॉइंट है, एक बिंदु है जो ए से चलना शुरू करता है, तो यहां भी इस खाने के लिए भी आ सकता है, मान लिया कि ये P1 इसलिए ले रहे हैं, पॉइंट है तो P से दिखा रहे हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट हम ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ, तो इसमें कहीं पर भी हम
एक पॉइंट लेना चाहते हैं, वो पॉइंट इसलिए यह रेखा मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो मान लिया कि यहाँ आ गई, ये रेखा यहाँ आ गई, ठीक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, मान लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर इसको हम ले लें पी टू, और ये यहाँ पी, इसी प्रकार से इसमें ले लें हम थर्ड में पी थ्री, और ये मिल जाएगा ऐसे, और लास्ट में हम यहाँ पर ले लेते हैं पी फोर, और ये मिल जाएगा। चारों क्वाड्रेंट में हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो परिक्रामी रेखा है यहां से चलना शुरू की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहां पर, थर्ड में है तो यहां पर, और फोर्थ में है तो यहां पर। अब हमको क्या करना है कि इस पॉइंट से एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष होगा है ना, इसको हम मान लीजिए कि इसको एक्स कर लेते हैं, और ये एक्स डैश, और ये वाई, और ये वाई डैश, ठीक है, और ये जीरो है, ये जीरो। हम क्या करना चाह रहे हैं कि पी वन से इस पर एक्स एक्स पे लंब डालना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से होगा, ये हो गया, ये इसको हम कर दें एम वन, परपेंडिकुलर है, फिर पी टू से भी एक्स एक्स पे ही, एम टू, पी थ्री से ये एम थ्री, और पी फोर से एम फोर, ये बन गया। यानी कि ये क्या है, इस पॉइंट ओए परिक्रामी रेखा का मूव है इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, और इधर आएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम अभी मूव कर रहे हैं, तो ये जो कोण बनेगा, इसका कोण बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट में ये दिखाएंगे, परिक्रामी रेखा, देखिए ये परिक्रामी रेखा जो है कोण का निर्माण कर रही है, कोण का क्या है, निर्माण कर रही है, तो परिक्रामी रेखा हमेशा धनात्मक होता है, इसका मान जो भी होगा, जो भी परिमाण होगा इसका, ये परिमाण तो कोण बन गया, और इसका मान जो होगा, ये जो लंबाई होगी वो हमेशा धनात्मक, परिक्रमी रेखा हमेशा धनात्मक होता है, परिक्रमी रेखा हमेशा धनात्मक होगा। तो ये देखिए, इसमें देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये लाइन एक्स अक्ष के ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर है ना धनात्मक, ये परिक्रमी रेखा है धनात्मक, और ये भी एक्स अक्ष पर जीरो से इधर की दूरी है, इसकी बात कर रहे हैं, ओ एम वन की बात कर रहे हैं, ये भी क्या है धनात्मक, ध्यान दीजिएगा इसमें, ओ एम वन एक्स अक्ष पर जीरो से दाहिने तरफ की दूरी है, धनात्मक होगी ना, ये धनात्मक, ये परिक्रामी रेखा है, यहाँ पर हमने, यहाँ पर हम लोग नोट में लिखे, परिक्रामी रेखा हमेशा धनात्मक होता है,
ये धनात्मक, और ये हमने लंब डाला है, तो ये लंब जो डाला है वो एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ है, एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ है, सारे मान धनात्मक होंगे, ये तीनों पॉजिटिव हो गए। इसमें आइए, ये परिक्रमी रेखा है पॉजिटिव, ये एक्स अक्ष के ऊपर है पॉजिटिव। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जीरो से एक्स अक्ष पे बाएं साइड में आ रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए। इसमें आइए, ये देखिए, ये एक्स अक्ष के नीचे की तरफ है नेगेटिव, परिक्रामी रेखा पॉजिटिव, ये अभी बताया, ये वाला मान ऋणात्मक होगा, तो चाहे ऊपर वाले के लिए हो चाहे इधर की हो, जीरो से इधर की तरफ आ रहे हैं एक्स अक्ष पर, तो ऋणात्मक होगा। यहां पर देखिए, ये परिक्रामी रेखा है, इसमें तो सोचना नहीं है, पॉजिटिव होगा। ये लंबवत रेखा है एक्स अक्ष पर नीचे की तरफ माइनस, ये मान जो है एक्स अक्ष पर जीरो से दाहिने तरफ है, तो धनात्मक, ये तो लिया भी है, ये तो है भी कि धनात्मक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये सब लिखने का हमारा उद्देश्य है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो छह त्रिकोणमिति अनुपात हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वो सभी चतुर्थांशों में उनकी स्थिति क्या होगी, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा क्या होगा, उसी को हम ज्ञात करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, हम इस पर मिटा रहे हैं, ये हम मिटाएंगे क्योंकि हम चार क्वाड्रेंट बनाएंगे और उसमें सभी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करेंगे। इसको हम बोर्ड को हम चार भागों में बांटना चाह रहे हैं, ये प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। हम सभी मान लिख दे रहे हैं, साइन थीटा सबके लिए ले रहे हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर और सेक थीटा बराबर एंड कोसेक थीटा बराबर, इसमें सब में लिखेंगे हम, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर एंड कोसेक थीटा बराबर, इसमें भी लिख देंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर, इसमें भी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर। ये हमने सभी छह त्रिकोणमिति अनुपात को सभी चतुर्थांशों में लिख दिया। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान
धनात्मक होगा, मतलब कि कौन त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा और किस चतुर्थांश में नेगेटिव होगा। इसको हम चाहते तो ऐसे ही लिख देते, एक और हम फार्मूला बताएंगे कि कैसे, लेकिन हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग ये ज्ञात करना सीख जाएं कि एक्चुअल में ये जो धनात्मक आया है त्रिकोणमितीय अनुपात और जो त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक आया है एक्चुअल में वो कैसे आया। नहीं तो एक फार्मूला मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी उस फार्मूले से आप ये बता सकते थे कि ये इसमें ये कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा, इसमें कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक, चारों में आप बता सकते थे। चलिए देखते हैं, इसमें साइन थीटा की बात करें, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे प्रथम चतुर्थांश में, तो साइन, साइन का मतलब देखिए ये हमने लंब डाला है तो ये लंब रेखा हो गया, ये सबसे बड़ी रेखा है ना, ये त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या है तो ये सबसे बड़ी रेखा, और जब लंब है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा किसी त्रिभुज के सबसे बड़े, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये चूंकि ये लंबवत है एक दूसरे के, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो हमने इसको लंब कहा है, ये लंब ही रहेगा, तो ये हो गया P1 M1 बटे में OP1। तो देखिए P1 M1 हमारा क्या है, पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा इसमें पॉजिटिव हो गया। कास के लिए बात करते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब कि OM1 बटे में OP1, OM1 पॉजिटिव बटे में पॉजिटिव, ये क्या आ गया, पॉजिटिव, कास भी पॉजिटिव आ गया, कास भी पॉजिटिव। टेन लंब बटे आधार P1 M1 कर लेते हैं बटे में, सॉरी OM1। तो अच्छा देखिए P1 M1 ये पॉजिटिव बटे में पॉजिटिव, ये धनात्मक आ गया, ये भी टेन भी धनात्मक आ गया। जब टेन धनात्मक आ गया तो कॉट भी धनात्मक होगा, क्योंकि इसी का उल्टा होगा, कॉस अगर पॉजिटिव है तो इसी का उल्टा होगा और वो भी धनात्मक होगा, और साइन अगर पॉजिटिव है तो इसी का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी कि हमको मुख्य रूप से तीन का ज्ञात करना, अगर तीन हमको पता हो जाए तो उसी का व्युत्क्रम हम पता कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, इसकी बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बात करते हैं। तो ये देखिए ये लंबवत रेखा है तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो जाएगा। तो इसमें साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा M2P2 बटे OP2। चलिए देखते हैं M2P2 क्या होगा, धनात्मक होगा, x अक्ष के ऊपर की लंबवत रेखा है तो हो गया पॉजिटिव बटे में कर्ण, पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, यानी सेकेंड में आया तो हमारा साइन जो है पॉजिटिव मिल रहा है। कास में देखिए, कास के लिए क्या करेंगे, OM2 आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण यानी OM2 बटे OP2, OM2 बटे OP2। अब ये देखिए OM2 ऋणात्मक है और बटे में क्या है, ये कर्ण धनात्मक है, तो ऋण संख्या में अगर धन संख्या से भाग देंगे तो ऋण मिलता है हमेशा, ये हो गया। टेन के लिए करें लंब बटे आधार,
M2P2 बटे में आधार OM2। ये ऊपर वाला धनात्मक लंब और ये ऋणात्मक बटे में ऋणात्मक, यानी कि ऋण आएगा। ठीक, अब तीन ज्ञात हो गया, तो जब टेन माइनस है तो उसका उल्टा काट माइनस हो जाएगा, कास माइनस है तो उसका उल्टा सेक माइनस हो जाएगा, और साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा। ये देखिए थर्ड में लंब क्या हो जाएगा, P3M3 बटे में कर्ण क्या है, OP3। चलिए P3M3 एक्स अक्ष के नीचे की लंबवत रेखा ऋणात्मक बटे में OP3, ये तो परिक्रामी रेखा है तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ हो गया ये माइनस। कॉस के लिए देखें, आधार बटे कर्ण तो OM3 बटे में OP3 बराबर OM3। देखिए क्या है, OM3 माइनस है x अक्ष पर 0 से बाएं साइड की दूरी ऋणात्मक, OP3 परिक्रमी रेखा है पॉजिटिव, तो ऋण में धन का भाग देंगे तो ऋण आएगा। टेन में देख लेते हैं, लंब बटा आधार यानी कि M3 P3 बटा में OM3। अब देखिए M3 P3 ऋणात्मक बटे में OM3 ऋणात्मक। अब देखिए ऋणात्मक संख्या में भाग दें तो दोनों जो है प्लस हो जाता है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तीन पता हो गया तो अब टेन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव, साइन नेगेटिव है तो कोसेक नेगेटिव। फर्स्ट चतुर्थ में देख लेते हैं, एक मिनट में काम हो जाएगा। साइन थीटा, इसमें ये लंब है ये कर्ण है यानी कि P4M4 बटे में OP4। चलिए P4M4 एक्स अक्ष पे नीचे की दिशा है, नीचे की दूरी तो ऋणात्मक, OP4 परिक्रामी रेखा है धनात्मक, ये आ गया ऋण। कॉस के लिए ये आधार ये कर्ण तो OM4 बटे में कर्ण OP4। देखिए OM4 अभी x अक्ष की दूरी है 0 से दाहिने तरफ तो OM4 पॉजिटिव, परिक्रामी रेखा पॉजिटिव, ये मान आ गया पॉजिटिव। टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार P4M4 बटे में आधार OM4 तो P4M4 ये तो एक्स अक्ष के नीचे की दिशा है तो ऋणात्मक, और बटे में OM4 एक्स अक्ष पर दाहिने तरफ की दिशा है, दूरी है ऋणात्मक, और ऋण में प्लस का भाग देंगे तो ऋण आएगा। तीन पता हो गया तो फिर अब पता हो जाएगा टेन का उल्टा काट भी ऋणात्मक, कास का उल्टा से पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक ऋणात्मक। सभी छह त्रिकोणमितीय अनुपात के हम चारों चतुर्थांश में कंडीशंस उसका साइन क्या है वो हम पता कर लिए। देखिए पहले वाले में
सभी छओ त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक है। ठीक, यहां पर अगर हम एक और बना दें तो ये अगर फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें देखिए ऑल पॉजिटिव हो गया। है ना, मीन्स ए ऑल पॉजिटिव। इसमें देखिए, इसमें देखिए ये साइन पॉजिटिव है और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव है ना। तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ दो पॉजिटिव हैं और बाकी सब नेगेटिव हैं, तो हम एस दिखा दें, एस एस पर साइन और उसका उल्टा कोसेक। थर्ड में ही, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव है, तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर दिखा दें टी। और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या है, क्रॉस है उससे, तो सी। अब यहाँ पर देखिए ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, मीन्स क्या, साइन एंड कोसेक, टी टी फॉर टेन एंड कॉट एंड सी फॉर कॉस एंड सेक, ये सब ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे, क्योंकि इसमें हमने ऑल कर दिया है, ये ऑल है तो ऑल पॉजिटिव, सभी छह त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव। तो इसको कैसे याद करेंगे, ए एस टी सी, ए एस टी सी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टी टेन एंड कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, सी मतलब कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो चार क्वाड्रेंट में हम ऐसे भी याद कर सकते हैं ए एस टी सी से, इससे हमारा पता चल जाएगा। अब इसको देख लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब इधर की तरफ देखिए, जब चलेंगे हम एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, तो हमारा मान क्या होगा, पॉजिटिव, और इधर की तरफ जब चलेंगे तो ये क्लॉक वाइज है, तो ये मान हमारा नेगेटिव होगा। यानी कि अगर कहीं हमको जिसे प्लस 60 डिग्री दिखाना है, तो प्लस 60 डिग्री दिखाने के लिए हम इधर की तरफ मूव करेंगे और ये परिक्रमी रेखा इस तरह से बना देगी, तो हम यहाँ कहेंगे प्लस 60 डिग्री। अब अगर कि परिक्रमी रेखा यहाँ से यहाँ तक आई, ये देखिए ये जीरो होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 और ये 270 और फिर यहाँ आ करके 360 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से परिक्रमी रेखा चली यहां आ गई, जीरो है ओ है, यहां आ गई, तो ये पूरा यहां से यहां तक 180 डिग्री बना देगा। ठीक है, तो 180 डिग्री में कुछ और अगर जोड़ देते हैं, मान लीजिए कि 210, तो अब ये परिक्रमी रेखा यहां आ गई। तो अगर कहीं 210 की बात करें, 210 ये 210 हो जाएगा, और ये कहें कि 210 एंगल जो 210 डिग्री होगा वो किस चतुर्थांश में यानी किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 180 पर, फिर उसके बाद 30 और बढ़ेंगे, 210 के लिए 30 और बढ़ेंगे, तो अब ये देखिए किस चतुर्थांश में आ गया, थर्ड वन में, यानी कि 200 एंगल 210 है अगर, तो एंगल 210 को ये बताना होगा किस चतुर्थांश में पहुंचेगा, तो हम इसको ड्रा करेंगे, यानी कि वो 180 पार करेगा, फिर जा करके 30 और पार करेगा,
29 और आगे बढ़ेगा, किसमें चला जाएगा, 180।